दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आखिर क्या होता है स्टेज पर जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स की जान चली जाती है? जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है जब बॉडी बिल्डर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी जिंदगी का सबसे वीक पॉइंट होता है। ये एक ऐसा समय होता है जिस वक्त बॉडी बिल्डर को अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी होती है, वो भी अपने सबसे मुश्किल समय में। पर आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कई सारे बॉडी बिल्डर स्टेज पर परफॉर्म करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, क्या है पूरा मामला और क्यों बॉडी बिल्डिंग का एक क्रेज लोगों की जान ले रहा है, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपको दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि जब बॉडी बिल्डर स्टेज पर चढ़ते हैं तो वो कई सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो उन्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हम स्टेरॉइड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो बॉडी बिल्डर की स्टेज परफॉर्मेंस को उसकी लास्ट परफॉर्मेंस में बदल देती है। जैसे अगर हम सबसे पहले कारण की बात करें तो वो है डिहाइड्रेशन। जब बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, खासतौर पर जब स्टेज पर ड्राई दिखाने के लिए बॉडी बिल्डर सोडियम डिप्लीट करते हैं तो उन्हें डिहाइड्रेशन से गुजरना पड़ता है। दोस्तों बॉडी बिल्डर स्टेज पर ड्राई दिखाने के लिए ड्यूरेटिक का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे ड्यूरेटिक कैसे होते हैं जो बॉडी के अंदर अच्छा खासा इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में इम्बैलेंस होंगे तो दो ही चीज होगी, या तो सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी या फिर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इन दोनों ही सिचुएशन में क्रैम्प्स आते हैं और कई बार क्रैम्प्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बॉडी बिल्डर स्टेज पर खड़ा भी नहीं हो पाता, और ये तभी होता है जब एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन मेथड को अपनाते हैं। इसलिए स्टेज पर ड्राई दिखना अच्छा है, लेकिन उसके लिए डिहाइड्रेशन के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाना जानलेवा हो सकता है, और ज्यादातर बॉडी बिल्डर स्टेज पर इसी कारण गिर जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एंड्रेस मुंजर है, जो स्टेज पर इतने ज्यादा ड्राई हो जाते थे कि ये बिल्कुल उनका डेथ फेज होता था, और उनकी मौत भी ड्यूरेटिक के कारण ही हुई थी, जहां उन्होंने अपने बॉडी के सोडियम की मात्रा बिल्कुल खत्म कर दी थी और पोटेशियम इतना ज्यादा था कि बॉडी इम्बेलेंस हो गई और उनकी मौत हो गई। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो वो है लो ब्लड शुगर, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पर जाने से पहले ये चाहिए कि उसका ब्लड शुगर लेवल कॉन्स्टेंट रहे। अगर इंसुलिन स्पाइक करेगा तो जाहिर सी बात है बाद में ब्लड शुगर एकदम से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एथलीट्स बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एथलीट्स बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी हालत खराब हो जाती है, वो स्टेज पर खड़े भी नहीं हो पाते या फिर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। असल में एथलीट्स कई बार फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स लेते हैं जो कि एकदम से डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। ब्लड शुगर बढ़ेगा, इंसुलिन स्पाइक होगा तो वो ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाने की कोशिश करेगा, और जैसे वो नीचे जाएगा वैसे इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एथलीट्स स्टेज पर ही बेहोश हो जाए, और ऐसा कई एथलीट्स के साथ होता भी है। अगर हम तीसरे कारण पर गौर करें तो वो है पॉजिंग, क्योंकि ये बात तो आपको भी मालूम होगी, जब एथलीट पोज करता है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें बॉडी बिल्डर को अपनी मसल्स को टाइट करना पड़ता है। ऐसे में अगर बॉडी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो या फिर बॉडी का ब्लड शुगर लेवल लो हो तो उसकी वजह से बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है, स्टेज पर गिर सकता है। अब इसमें कुछ खास बातें ध्यान रखने वाली ये भी हैं कि जैसे कि किसी भी फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री है, अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर किडनी या लिवर की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा बॉडी बिल्डर स्टेज पर पॉज करने जाता है तो उसको ये सब चीजें ज्यादा असर करती है, क्योंकि उसके पहले से हिस्ट्री रह चुकी होती है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी बिल्डर है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड में हार्ट में प्रॉब्लम है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उस बॉडी बिल्डर को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका सबसे ज्यादा असर स्टेज पर पोज करते समय ही देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे तो उनकी बॉडी नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन जब मसल्स को टाइट करने की बारी आती है तो सारी मेडिकल हिस्ट्री सामने निकल कर आ जाती है और सब कुछ ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर स्टेज पर ही गिर जाता है
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण डालास मैककैरवर है, जहां उनकी फैमिली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम थी और इस वजह से ये अर्नॉल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया के स्टेज पर पास आउट हो गए थे और ऐसा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के कारण हुआ था। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि ज्यादा देर तक पोजिंग करते वक्त जो ब्लड का ओवरऑल सर्कुलेशन है वो लोअर बॉडी में ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को इतना ब्लड नहीं मिल पाता है और इस कारण भी बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है या फिर मर भी सकता है, क्योंकि ब्रेन तक अगर पर्याप्त मात्रा में ब्लड या ऑक्सीजन ना पहुंचे तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और बॉडी बिल्डर को समझ नहीं पाता। दोस्तों यही सब कारण है जो स्टेज पर बॉडी बिल्डर की मौत की वजह बनते हैं, क्योंकि जब बॉडी बिल्डर स्टेज पर परफॉर्म करने जाता है तो वो अपना सबसे बेस्ट दिखने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसे ड्राई आउट होना पड़ता है, लेकिन उसी चक्कर में वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और जब लंबे समय तक पोजिंग करता है तो लंबे समय तक डिहाइड्रेट रहने की वजह से जो मसल्स में खिंचाव होता है, टाइटनेस आती है, वो सारी चीजें बॉडी झेल नहीं पाती, ब्लड सही में सर्कुलेट नहीं हो पाता और अगर दिमाग या दिल तक सही से ब्लड नहीं पहुंचा तो बॉडी बिल्डर की वहीं पर मौत हो जाती है। ऐसे में बॉडी बिल्डर्स को कुछ भी करना चाहिए लेकिन अपनी बॉडी को इतना एक्सट्रीम लेवल पर डिहाइड्रेट नहीं करना चाहिए और ना ही पोजिंग के टाइम पर सब कुछ भूल जाना चाहिए, बल्कि उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कॉम्पिटिशन से ज्यादा जरूरी उसकी जान है, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन हार गया तो दोबारा जीत सकता है लेकिन अगर जिंदगी से हार गया तो वो वापस जीती नहीं जा सकती, इसलिए इस तरह की गलतियां ना करें। बाकी आपको बॉडी बिल्डिंग कितनी पसंद है कमेंट में बताना ना भूलना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर ही देना। हम फिर मिलेंगे ना एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें, दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।